नमस्कार मित्रों, मैं संतोष मिश्रा, वास्तु कंसल्टेंट न्यूमरोलॉजिस्ट। आज हम बात करेंगे सिंबल्स पे। मेरे कई मित्रों के फ़ोन आते हैं, वो अक्सर सिंबल्स को लेके कुछ डाउट्स पूछते हैं। मैं सोचता हूँ कि सिंबल्स के माध्यम से उन तक इस बात को पहुँचाया जाए कि सिंबल सुंदर देन है वास्तु परंपरा की, बल्कि यूँ कहें कि स्थापत्य, भारतीय स्थापत्य इससे बिल्कुल एनरिच रहा है और उसको शुरू से ही यूज़ किया गया है अलग अलग तरीके से। देखिए, आप मंदिरों में जाइए तो अलग अलग तरीके से अलंकार को प्रयोग किया गया है और यंत्र जितने भी बने हुए हैं सबों में विभिन्न प्रकार की आकृतियों को यूज़ कर अलग अलग तरीके अपेक्षित परिणाम जो हमको जैसा चाहिए वैसे रिजल्ट्स लिए गए हैं। बेसिकली कैसे काम करते हैं, तो कोई सिंबल्स को जब हम यूज़ करते हैं घर पे, तो वो सिंबल हम लगातार उसको देखते हैं और देखते रहने से जो उसके वाइब्रेशन है और अ पर्टिकुलर वो सिंबल हमारे सबकॉन्शियस माइंड में एक जगह बना लेता है। और वो जब जगह बन जाता है, सबकॉन्शियस माइंड का अर्थ है चित्त, हमारा जो चित्त है उसमें एक पिक्चर बन जाती है और वो पिक्चर बनने के बाद में ये एक सॉफ्टवेयर की तरह काम करता है जो हार्डवेयर को ऑटोमेटिकली रन करने लगता है, एफर्टलेस रन होने लगता है, एफर्ट्स नहीं लगते। फिर हम ऑटोमेटिकली वो कुछ समय के बाद में आप उन वो चीज़ जो इंप्रेशन उससे पड़ रहा है वो ऑटोमेटिकली काम करता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम देखें कि वैसे तो हमारे भारतीय परंपरा में भी बहुत सारे मूर्तियाँ हैं और बहुत सारे सिंबल्स हैं, जैसे स्वास्तिक हुआ, ओम हुआ, और गणेश जी की मूर्ति, लक्ष्मी माँ की मूर्ति, इस प्रकार से कई और बहुत सारे ऐसे हैं जो साइंटिफिक हैं और उसका हमारे सबकॉन्शियस पे किस तरीके से प्रभाव पड़ता है उसका एक छोटा सा एग्जांपल। अभी हम जो चाइनीज़ लाफिंग बुद्धा है, काफ़ी चलता है, मैं हर जगह देखता हूँ उसको, तो इसके पीछे का साइंस क्या है आप देखेंगे लाफिंग बुद्धा कैसा दिखता है। तो लाफिंग बुद्धा का मुस्कुराता हुआ चेहरा, फूला निकला हुआ बढ़िया एक प्रॉस्परस पेट और एक पोटली टंगी हुई और मुस्कुराता हुआ है। सबसे अच्छी बात क्या है मुस्कुराता, व्हेन यू एंटरिंग इन द होम आप देखेंगे उसको लगाने का जो तरीका है वो ऐसा ही है कि दरवाजे के ठीक सामने इसको लगाया जाता है कि जब आप घर में घुसेंगे तो सीधे आपको लॉफिंग बुद्धा ही दिखता है। लॉफिंग बुद्धा देखने से उसका हंसता हुआ चेहरा आप लगातार देखते हैं और एक समय बाद जो सबकॉन्शियस माइंड में जब वो बैठ जाता है, उनका हंसना बैठ जाता है, तो आप हमेशा मुस्कुराते हैं। आपका जो एफर्ट्स होते हैं, जो आपका अनकॉन्शियसली आप ऐसे काम में इन्वॉल्व कर लेते हैं जो काफ़ी खुशहाली देता हो, आपके एनवायरनमेंट को खुशहाल रखता हो और चारों तरफ के वो एनवायरनमेंट को हेल्दी रखता हो। साथ में आप देखिए एक पोटली भी है उनकी, पोटली जो है वो उसमें प्रॉस्पेरिटी है, उसमें धन है। तो आप वो आपको ये भी बोलता है कि केवल हंसने से काम नहीं चलना है, आपको कुछ श्रम करना पड़ेगा प्रॉस्पेरिटी के लिए, और प्रॉस्पेरिटी और हैप्पीनेस मिला के हेल्दी लाइफ जी सकते हैं, इस तरीके का एक सिंबल है वो। और वो कंटिन्यूसली सबकॉन्शियस माइंड में आपके एक जगह बनाता है और उस तरीके की लाइफ आप है ना ऑटो रन में आ जाती है। तो ये एक सबकॉन्शियस माइंड का एक टेक्नोलॉजी है जिसको यूज़ करते आए हैं हम, हमारी परंपरा भी यूज़ करती आई है। जैसे लॉफिंग बुद्धा एक ये बौद्ध मॉन्क थे जो जब एनलाइटेंड हुए उन्होंने एक सिस्टम शुरू किया कि वो हर गांव में जाते थे, किसी के घर जाते थे, खुद जाके हंसने लगते थे जोर जोर से, तो वहाँ के लोग भी उनके साथ में मिलके हंसते थे और अपना स्ट्रेस रिलीज करते थे। बस इसी साइंस को यहाँ पर यूज़ किया गया है, साथ में वो पोटली जैसी रखते थे, तो ठीक उसी सिंबल को चाइनीज उसमें यूज़ करते हुए उसको उस इन्वायरमेंट को चारों तरफ बनाने का प्रयास किया गया है। तो ये एक साइंस है सिंबल्स का, ऐसे बहुत सारे साइंस हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा स्वास्तिक हैं, ये काफ़ी एनर्जी क्रिएट करते हैं बहुत सारी। आप जब घर के बाहर आप देखिए किसी मुस्कुराते हुए व्यक्ति का चेहरा लगा दीजिए, वेलकम करते हुए आदमी का चेहरा लगा दीजिए, तो कितना गुस्से में आदमी, कितना भी नाराज आदमी, कितना भी दुखी आदमी जब घर में होगा तो उसका उसके सबकॉन्शियस में इमीडिएटली इम्पैक्ट पड़ता है और वो जिस नेगेटिविटी के साथ आया है वो नेगेटिविटी दूर चली जाती है और वो खूब हंसते हुए एक अच्छे इन्वायरमेंट के साथ घर में आता है। और ये जब इन्वायरमेंट बनता है तो नेचुरली वहाँ पर जब इन्वायरमेंट बहुत अच्छा होगा तो वहाँ पर प्रॉस्पेरिटी भी बढ़ेगी, खुशहाली भी बढ़ेगी। इसी तरीके से सिंबल्स को यूज़ किया जाता है। नमस्कार।